बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज इस्लाम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। होप आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी, जिसकी सो गई गुजरी है वो भी बेस्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले हमने बैक्टीरिया डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया क्या है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी थी और हमने देखा था उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। आज हम देखेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के, एक बैक्टीरिया में कितनी शेप्स पाया जाता है। पिछले लेक्चर से थोड़ा रिवाइज कर लें, आपको बैक्टीरिया का कांसेप्ट आ जाए। बैक्टीरिया हमने बात की थी कि दुनिया में हर जगह है, सैंड में, वाटर में, एयर में, हर जगह बैक्टीरिया है। और उसकी तादाद, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी जितने सेल से मिलकर बनी है ना, उससे ज्यादा हमारे अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया है अगर हम उनकी क्वांटिटी की बात करें। तो ये चार किस्म की शेप्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी शेप्स हैं, इसकी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बहुत माइनर है। जो मेजर बैक्टीरिया है वो इसमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 100 बैक्टीरिया है ना, तो वो 20 इसमें है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, 18 इसमें, जो दो है ना उनकी ज्यादा शाम है, तो उनको डिस्कस करना मैं कहता हूँ कई माइनर से है। और हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की शेप्स कितनी है, इसके बाद हम इनके ना फर्दर आगे टाइप्स पे आएंगे। सबसे पहले आपको क्या कहता हूँ कि थोड़ा कंसेप्ट आ जाए कि ये है क्या। तो सबसे पहली शेप है बैक्टीरिया की, विच इज कोकाई। इससे क्या मतलब है, ये कोकस वर्ड से निकला है। जो ये बैक्टीरिया होंगे ना, वो कुछ इस तरह होंगे, गोल, ठीक है, राउंड शेप, ओवल, बाल की तरह, ठीक है। जो बैक्टीरिया इस शेप में पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे कोकाई। और जो बैक्टीरिया बैसिले का क्या मतलब होता है, ये लफ्ज बैसिले से निकला है, इसका रोड शेप। ये कुछ ना रोड शेप में होंगे। रोड शेप कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करें, ये रोड है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ इस तरह के होंगे रोड शेप बैक्टीरिया। लास्ट जो सेकंड लास्ट में आपका स्पाइरल, स्पाइरल खुद ही बता रहा है, ये स्पाइरल कुछ हेलिकल से होंगे, ठीक है, कॉइल लाइक होंगे इस तरह के, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ऐसे ड्रा कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्पाइरल से होंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और कोमा जो इसका नाम बता रहा है, ये होंगे कोमा शेप। कोमा किस तरह का होता है, कोमा बात करते हैं इस तरह कोमा होता है, ये हम बात करते हैं इंग्लिश में जब कोमा यूज करते हैं, हम क्वेश्चन में इस तरह करते हैं, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। या होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि बैक्टीरिया के चार टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो चारों आगे आपको, ये एक ओवल शेप है, एक रोड शेप है, एक क्वाड लाइक है, एक कोमा शेप है, ठीक है। अब आगे इनकी टाइप्स हैं, टाइप्स पता कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं। जो कोकाई की टाइप है, पहले इसमें सिंगल होगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर स्टेप चेन होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, एक क्लस्टर लाइक, जो कहते हैं ना अंगूर का गुच्छा लाइक, उस तरह का हो जाएगा, ठीक है। जो वैसे ही पहले सिंगल होगा, फिर ऐसे डबल होगा, फिर स्टेप लाइक होगा, फिर बाद में ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम फेंस लाइक कहते हैं। पहले शेप बैक्टीरिया स्पाइरल, जिसके दो किस्म होता है, किस तरह का होता है, किस तरह का, इसमें होता है कि एक हार्ड होता है, एक हार्ड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। कोमा शेप की बात करें तो उसकी एक शेप है, ठीक है, इसके अगर दो एक पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकाई क्या है। जिधर भी हम बात करते हैं कोकाई, ठीक है, हम नंबर वाइजिंग को डिस्कस करते हैं कोकाई। इसके हमने पहले ही बात की, ये स्फेरिकल शेप होता है, ओवल, ठीक है, दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, ये क्या है, ये एक बाल की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं राउंडेड शेप, ओवल शेप, अंडे की लाइक, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कोकाई, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को। आइए इसकी टाइप्स है, मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, टेट्रल और सार्सिनिया, ठीक है, इसके आगे टाइप्स हैं। इसी स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है, इसको इसके सारे टाइप्स को हम डिस्कस कर लेना, ठीक है। ये इनकी डिफाइन है, ये इनकी एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है। मोनोकोकाई, जैसे किसी नाम बता रहे, मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, जिसको हम कहते हैं सिंगल, ठीक है। अगर तो ये सिंगल कोकाई होगा, ठीक है, मीन्स के सिंगुलर कोकाई, इससे क्या मतलब है कि ये सिंगल कोकाई है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये जो बैक्टीरिया इस तरह का होगा, सिंगल गोल शेप, ठीक है, सिंगल कोकाई, उसको हम कहेंगे मोनो कोकाई। इसी एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ड्यूटस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ना, ये आपको बड़े टफ लगेंगे, बेसिकली मैंने एग्जाम्पल्स वो लिखी हैं जो आपके आगे टॉपिक्स में काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको टॉपिक्स पढ़ते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स, साल्मोनेला बैक्टीरिया, इसके अगर फोर टाइप्स हैं तो ये आपको एग्जाम्पल वहां पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने ज्यादा टफ नहीं करने की कोशिश नहीं की ताकि आपको आसानी समझ आए। ठीक है, इनके नाम कुछ ऐसे हैं, माइक्रोकोकस ल्यूटस, स्ट्रेप्टोकोकस पैजेंस। ठीक है, तो मोनोकोकाई आपको समझ आ गई, सिंगुलर कोकाई। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, सिंगुलर कोकाई, एग्जाम्पल माइक्रोकोकस ल्यूटस। ठीक है, अगर की बात करें डिप्लोकोकाई, अब डिप्लो का क्या मतलब होता है, डबल। इसमें जो कोकाई है ये डबल होगी, टू स्फीयर कोकाई। फॉर एग्जाम्पल एक ये है हमारे पास, ठीक है, और एक ये है। ठीक है, जो डबल होंगे कोकाई तो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे डिप्लो कोकाई। इसकी एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अगले बात की है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है एक चेन। ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया इन अ चेन, अगर ये बैक्टीरिया चेन में हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। कैसे ऐसे होगा, ये इस चेन के चेन हो गए। ठीक है, आपस में चेन की तरह अटैच हो, इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स। ठीक है, सिंगल डबल अब चेन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलो मतलब होता है एक क्लस्टर जिसको हम बंच कहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, आप उन ग्रेप्स देखे होंगे। ठीक है, जब ग्रेप्स ना दरख्त पर होते हैं ना, उनका जो ग्रेप्स क्लस्टर जो गुच्छा का होता है वो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है, जो वो नीचे की तरफ हैंग हुआ होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो कोकाई है ना, ये ग्रेप्स की तरह होता है, मीन्स आपस में मर्ज किए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकाई। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस एयूरस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेट्रड, टेट्रड का क्या मतलब होता है, काफी ज्यादा ये लफ्ज यूज किया हुआ है। टेट्रड मतलब होता है फोर, चार, अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ फोर कोकाई। अगर ये कोकाई ऐसे ग्रुप में अरेंज हो जिसमें चार कोकाई साथ हो तो इसको हम कहेंगे टेट्रड। इसकी एग्जांपल है एरोकोकस यूराइन। ठीक है, कैसे होगा ये, एक चार कैसे अटैच होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर ये चार का इस तरह पड़े हुए हों तो उसको हम कहेंगे टेट्रड। ठीक है, अगर हम सार्सिना की बात करें तो इसका डबल है, कैसे, अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ एट कोकाई। ये क्या था, अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ फोर कोकाई, तो अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ एट कोकाई। अब एट कैसे अरेंज होंगे, पहले जैसे ये चार अरेंज है ना, ऐसे ये भी चार अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे हम ब्रेड नहीं बनाते, हमें एक ब्रेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड मर्ज करते हैं, इस तरह ये चार पड़े होंगे, इनके ऊपर दूसरे चार होंगे। ये पहले चार है, अभी वैसे थ्री डी स्ट्रक्चर ड्रा हो नहीं सकता, अब ये चार है ना, इनके ऊपर ये चार पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इनके ऊपर है। ठीक है, पहले चार है, उनके ऊपर ही और चार है, जिसको सार्सिन है, इस एग्जाम्पल है सार्सिन एसपीपी स्पीशी प्लूरल। ठीक है, तो ये था हमारे पास कोकाई, आप लोगों को समझ आ गई होगी कोकाई क्या है, सिक्स टाइप्स है, सिंगुलर, डिप्लो, स्टेप्टो, स्टेफिलो, टेट्रड, सार्सिना। ठीक है, इसमें सिंगल एक होगा, इसमें डबल हो जाएंगे, इसमें उसी की चेन बन जाएगी, इसमें कुछ ग्रेप्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस पर फोर आपस में रेंज होगा, इसमें एट रेंज होगा, सिंपल से कोकाई का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम बात करते हैं बैसिलाई जी, तो अभी हम बात करेंगे बैसिलाई। ठीक है, हमने कोकाई को डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करेंगे बैसिलाई। जैसे वो था ना सेम उसी तरह ये है, इतना सा डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, वो क्या था, गोल था, ये रोड शेप्ड होगा, दे आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। अब इनकी शेप कुछ इस तरह की होगी, रोड आप लोगों ने देखा होगा, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगल को बैसिलाई। ठीक है, अब इसके आगे पांच टाइप्स हैं, बैसिलस, डिप्लो बैसिलाई, स्टेप्टो बैसिलाई, पैलिसेड एंड कोको बैसिलस। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैसिलस क्या है, आपने इसको माइंड में रखना है कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, इसकी बेस पर हमने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। सिंगल रोड शेप्ड बैक्टीरिया, अब फॉर एग्जांपल सिंगल रोड शेप्ड बैक्टीरिया किस तरह का होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, इसको हम क्या कहेंगे, बैसिलस। इसको मोनो बैसिलस भी कहते हैं, इसको हम कहेंगे बैसिलस। इसकी एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस सीरियस। ठीक है, सिंपल बैसिलस ये था। ठीक है, सिंगल डिप्लो बैसिलस का क्या, डिप्लो का क्या मतलब था, पीछे मैंने पढ़ा है डबल, तो इसमें क्या होगा, ये डबल होगा। बैसिलस अरेंज इन अ पेयर, ये पेयर के फॉर्म में होगा डबल, एक इस तरह होगा, ठीक है, दूसरा इसके साथ कुछ इस तरह का अटैच होगा। ठीक है, अरेंज होंगे पेयर की फॉर्म में, इसकी एग्जांपल क्या है, बैसिलस
लाइक एंड फॉर्मिस, ठीक है। स्टेप्टो की बात करें, स्टेप्टो का मतलब होता है चेन, बेस्टली अरेंज्ड इन अ चेन। अब ये चेन में, अब ये चेन में कैसे रेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट चेन में रेंज होगा, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। अब इसकी चेन लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्टेप्टो बेसिलाई मोनिली फॉर्म, ठीक है। ये स्टेप्टो बेसिलाई से चेन फॉर्म है। अब बात करते हैं पहली चीज, ये थोड़ा डिफरेंट है, बेसिले रेंज इन अ फेंस फॉर्म। फेंस होता है बाड़ा, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अभी होगा इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, हम प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा फेंस यूज करते हैं खेतों में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नहीं है, इसका कुछ इस तरह का है, ठीक है। फेंस लगी ये इस तरह रेंज आपस में, ठीक है, ये इस तरह आपस में अटैच है। इसको हम कहते हैं पैलिसेड। इसकी एग्जांपल है कॉर्निबैक्टेरियम डिफ्थेरी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पैलिसेड। अब हम बात करते हैं कोको बैसिलस। कोको लफ्स निकला है कोकाई से, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। कोकाई क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। बैसिलस क्या होता है, रोड शेप्ड होता है। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों के दरमियान है, कैसे बनेगा ये बेसिकली। कोको बैसिल बैसिलाई विद राउंडेड एंड्स, बैसिलाई विद राउंडेड एंड्स, इसके जो एंड्स है ना ये वाले, ये राउंडेड है, कैसे होगा ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये बैसिल है हमारे पास, इसके ये दोनों एंड है ना वो राउंडेड हैं, कैसे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। बैसिलाई विद राउंडेड एंड्स इज कॉल्ड कोको बैसिलस, इसकी एग्जाम्पल एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब आप लोगों ने देख रहा है बैसिले का होता है रोड शेप्ड बैक्टीरिया, तो इसके अगर पांच टाइप्स हैं ये वाली, ठीक है। ये सिंगल रोड शेप्ड, ये पेयर की फॉर्म में होता है, ये चेन की फॉर्म में होता है, ये फेंस लाइक फॉर्म में होता है, और ये राउंडेड एंड्स फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तो हमारे साथ हमारे पास था बैसिले, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हम बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप की, विच इज स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। अब स्पायरल हमें पता है कुछ इस तरह का होता है, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, वो थोड़ा सा क्वाइल किया हुआ होता है, इस तरह के ये शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्पायरल शेप बैक्टीरिया इसके आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। दे आर स्पायरल आर हेलिकल इन शेप, ठीक है। ये स्पायरल किए हुए होते हैं या कुछ हेलिकल इस तरह का होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर इनका। तो इसके आगे टू टाइप्स हैं, फर्स्ट इज स्पायरिलियम, सेकंड स्पायरोचीट, ठीक है। इसके आगे पॉइंट्स है, पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्पायरिलियम है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, मेरे ज्यादा हेलिकल नहीं है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम स्पायरोचीट की बात करें तो बहुत फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। आगे हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं इस स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है। जो स्पायरिलियम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर ये थिक है, इसकी जो सेल वाल है ना, इसकी थिक होती है, इसकी सेल वाल थिन होती है। तो जिसकी थिक होगी, जारी बात है, फिर वो रिजिड होगा, हार्ड होगा। इसकी अगर बात करें, जिसकी सेल वाल थिन है, तो ये वो फ्लेक्सीबल सेल, लचकदार है। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके हम ना बाद में पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। इसको ना हम स्टेन करते हैं, कलर देते हैं, उसकी बेस पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इनका कलर आता है ब्लू पिंक पर्पल, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। इसको अगर हम स्टेन करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन ये स्टेन नहीं होता, इसको बहुत डिफिकल्ट होता है स्टेन करना, ठीक है। इसमें फ्लैजेला होती है, आपको फ्लैजेला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसमें नो फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या होती है बेसिकली, ये वाली, ठीक है, इसमें फ्लैजेला है, इसमें फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। जो मेन, अब ये तो इनमें सिंपल सा डिफरेंस था, जो मेन डिफरेंस है ना, अब ये जो स्पायरोचीट वाले होते हैं ना बैक्टीरिया शेप के, ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है, पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में डिजीज काज करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात कोट करता चलूँ, मैंने पिछले लेक्चर में वो रह गई थी। हम देखते हैं ना कि एक ह्यूमन है, उसमें अगर वायरस आता है, तो अगर वो दूसरे को टच करता है या उसके कंटेंट में आता है, तो उसमें भी वायरस चला जाता है। हम कहते हैं कि ह्यूमन में वायरस फैलता है एक जगह दूसरी जगह, लेकिन ये प्रोसीजर वायरस में भी होता है, सॉरी वायरस के दिया बैक्टीरिया में भी होता है। कैसे, जब एक बैक्टीरिया का वायरस होता है ना, तो जब वो दूसरे बैक्टीरिया के कॉन्टेंट में जाता है, तो वो वायरस ट्रांसफर करता है, ये इनके अंदर भी प्रोसेस है, ठीक है। अब जैसे हमारे अंदर वायरस आता है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारी जो इम्यूनिटी है,
हम उसके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर भी कुफ्त मुदाफत इम्यूनिटी होती है कि वो उस वायरस के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, उसको शिकस्त देता है, ठीक है। जस्ट लाइक हम ह्यूमंस था, जैसे हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। तो ये थी इसकी थर्ड टाइप। तो अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैक्टीरिया, ये तो अभी हम बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप की, विच इज कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर कर्व्ड एंड अपेयर लाइक कोमा, ये थोड़ा सा कर्व होता है और कोमे की तरह का शेप होती है इसकी। कोमा किस तरह होता है, ये सब इंग्लिश में पंक्चुएशन में यूज करते हैं, ये इस तरह कुछ कोमा होता है, इसे हम कोमा कहते होते हैं, ठीक है। तो ये इससे असेंबल करता है, कर्व्ड होता है और अपेयर लाइक कोमा, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इस तरह होता है कुछ ये बैक्टीरिया, ठीक है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। इसका स्ट्रक्चर इसके आगे देख, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने पहले बात किया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है, इसको हम स्टेन करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था बेसिकली, दे काज फूड बोर्न डिजीज। फूड बोर्न डिजीज कौन से होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम देखते हैं ना खाने में डिजीज होती हैं, जैसे हम कहते हैं बैक्टीरिया डिजीज। इसका सिंपल ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया जैसे, वो फूड्स के अंदर डिजीज काज करता है, तो इसको हम कहते हैं ये फूड बोर्न डिजीज काज करते हैं। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है विब्रियो एसपीपी, ठीक है। तो विब्रियो मीन्स के वाइब्रेट से लफ्ज़ निकला है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइब्रेट किया हुआ है। तो ये था हमारे पास कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। हमारी चार टाइप्स की बैक्टीरिया के, इस चारों को हमने डिस्कस किया, लेकिन इन चार के अलावा भी बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, जिसमें आ जाता है फिलामेंटियस बैक्टीरिया, स्टार्क्ड बैक्टीरिया, स्टार शेप्ड बैक्टीरिया, शीथ्ड बैक्टीरिया, चाइनीज लेटर बैक्टीरिया, ठीक है, लोब्ड बैक्टीरिया, इसके आगे वो फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन वो माइनर है, इसको उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जहाँ भी पढ़ेंगे आप डिस्कस इनको करेंगे। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा लेक्चर, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद वाले जो हमारे लेक्चर होंगे वो होंगे तकरीबन शेप ऑफ बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, लास्ट में देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।